अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान। और अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अरे वाह सर, इमरान ने तो अपना स्टूडियो ही बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया नहीं, एक्चुअली फ्रेम सिर्फ इतना ही है असली, बाकी सब का सब फेक है। ये सब कुछ एडोबी फोटोशॉप के जनरेटिव फिल से बनाया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी आवाज़ इतनी क्लियर क्यों है, तो भैया ये भी AI का कमाल है यार। एडोबी वाले बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे हैं। और अगर आप ये सब कुछ समझना चाह रहे हैं कि कैसे किया गया, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सो इस वक्त मैं अपने उसी रूम में हूँ जो मेरा ड्राइंग रूम है, और आप लोगों ने पिछली रील में या वीडियो में यकीन देखा हुआ होगा, यहाँ का सारा फर्नीचर हम बेच चुके हैं। ठीक, इट्स ऑल एम्प्टी, पूरी तरह से खाली है ये रूम। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। इस वक्त मेरी आवाज़ में भी ईको आपको फील हो रहा होगा, बिकॉज आपको सबको पता है कि जब रूम खाली होता है तो शदीद किस्म का ईको आ रहा होता है। नाउ इस ईको को भी ख़त्म करेंगे, और इस रूम में फर्नीचर भी हम भरेंगे, और विद द यूज़ ऑफ AI। यस, हम AI को भरपूर अंदाज में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अपना सेटअप दिखा देता हूँ कि क्या है। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक अदद कैमरा लगाया हुआ है, और ये कैमरा फिर से मैंने वर्टिकल लगाया हुआ है। ना वर्टिकल इसलिए नहीं लगाया कि मैं रील बनाने वाला हूँ, मैं पूरी फुल फ्लैश वीडियो बनाने वाला हूँ 16:9 रेशो पे। लेकिन रूम खाली है यार, बिल्कुल खाली हो चुका है, हमारा सारा फर्नीचर हमने बेच दिया। एनीवेज, ये एक अदद मैंने लाइट लगाई हुई है। यहाँ खिड़की है, खिड़की से बहुत हल्की रोशनी आ रही है, बिकॉज इस वक्त तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और धूप नहीं है यहाँ पर। ठीक, एनीवेज, प्लस यहाँ पर एक ये मैंने लाइट लगाई हुई है जिस पर मैंने जेल लगाया हुआ है ऑरेंज कलर का, थोड़ी सी वार्म लाइट चाहिए थी। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसलिए कि मैं इससे ज़्यादा आगे पैर ना लेके जाऊँ। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट, शूट करते हैं हम यहाँ से, और फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या बनेगा। Alright, welcome back। So, भैया वहाँ पर शदीद तरीन इको यानी रिवर्ब, बहुत ज़्यादा खाली रूम में, आपको पता है। अच्छा, मैंने फर्नीचर बेचा इसलिए कि वहाँ के लिए कुछ और प्लान्स हैं, फ्यूचर में ज़रूर बताऊँगा कि क्या प्लान्स हैं, बट अभी के लिए वो रूम मेरा पूरी तरह से मेरा है, और मैं उसमें जितना उधम मचाना चाहूँ मैं मचा सकता हूँ। एनीवेज, वो फुटेज मैं शूट करके यहाँ ले आया हूँ, और अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो आपके सामने ये आ रहा है। अब ज़ाहिर है चूँकि वर्टिकल शूट किया था तो ये वर्टिकल है। एक और चीज़ के वर्टिकल भी 4K है। सो अगर आप इसकी रेजोल्यूशन देखें तो 2160x3840, इट्स ह्यूज 4K वर्टिकल। ठीक है, और आवाज सुनो, ओ हो हो, भयानक तरीन आवाज रहा, ये देखें। शदीद तरीन रिवर्ब, खाली रूम, बहुत बुरा सीन। मुझे दो तीन काम इसमें तो पहले ये करने हैं कि एक तो इसकी आवाज को सही करना है। आवाज को सही करने के लिए मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी वेव फॉर्म ऑडियो। सो सिंपली मैं जाऊँगा फाइल एंड एक्सपोर्ट, और यहाँ से मैं लूंगा मीडिया। और यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका H.264 होता है, ये होता है बाय डिफॉल्ट। तो हमने सिंपली यहाँ फॉर्मेट में आकर के चेंज करना है इसको वेव फॉर्म ऑडियो, एंड उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करनी है। सो ये मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, और उसको हमने अपलोड करना है podcast.adobe.com। सो ये वेबसाइट है podcast.adobe.com। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक सैंपल भी दिया हुआ है, जैसे ये अगर मैं प्ले करता हूँ With enhanced speech, all of the background noise, और अगर मैं इसका एनहेंस स्पीच ऑन कर देता हूँ, echo is gone. As if I recorded this in a professional studio. मैंने अपनी वॉइस यहाँ पर अपलोड कर दी थी, एंड उसके बाद यहाँ अपलोड अनदर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो जो पहले आवाज थी बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। और अगर मैं अपना एनहेंस स्पीच ऑन करूँ तब देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। बाकी सब का सब फेक है, ये सब ये है कमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऑडियो परफेक्ट हो गई, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद मैं अपनी टाइमलाइन पर लाकर रख देता हूँ। एग्जैक्टली सेम ही ड्यूरेशन है इन दोनों का, जाहिर है अलाइनमेंट वगैरह यानी सिंक कोई मसला ही नहीं है। अब अगर आप प्ले करें, पहले वो वाली को म्यूट कर देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी आवाज इतनी क्लियर क्यों है, तो भैया ये भी यहाँ तक के तो हो गया। अब मुझे सबसे पहले इसके कलर्स सही करने हैं। जो शूट किया हुआ था वो थोड़ा लॉग फॉर्मेट में था, इसलिए बड़े डल फीके से कलर्स आ रहे हैं।
है, लेट्स फिक्स दैट थिंग फर्स्ट. सो मैं यहाँ सिंपली इल्यूमेट्री में जा रहा हूँ और ये जो बेसिक करेक्शन है इसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑटो. मुझे कोई इतने ज्यादा ड्रामेबाजियां नहीं करनी है. ऑटो में मैंने किया तो इसने इसके कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर दिए. थोड़ा सा मैं इसको टेम्परेचर थोड़ा सा कूल कर रहा हूँ. थोड़ा सा इसके अंदर मैं मजेंटा एड कर रहा हूँ. मैं व्हाइट्स को बढ़ा रहा हूँ और हाईलाइट्स को कम कर रहा हूँ. क्रिएटिव में मैं जा रहा हूँ और साथ ही मैं यहाँ से एक जो डिफॉल्ट प्रीमियर के अलर्ट्स है मैं उनमें से ही अप्लाई कर रहा हूँ. एक है मुझे बड़ा अच्छा लगता है गोल्ड रश HDR, इसकी मैं इंटेंसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ. बहुत ज्यादा थी ये, बहुत ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगेगा, हल्का सा सटल सा. सो अगर मैं इसको हाइड करूं तो देखें डिफरेंस क्या है. बहुत सटल सा है, बहुत अच्छा सा है. साथ ही साथ मैं इसकी शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं. दैट्स इट, डन हो गया. और अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो कुछ ये आया है. एंड शक्ल देखो कैसी हुई हुई है मेरी. थोड़े से मैं समझ रहा हूँ कि यार एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है मुझे. हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लैक्स को बढ़ा रहा हूँ. कंट्रास्ट को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ. दिस इज गुड, दिस इज परफेक्टली फाइन. तो ये है मेरा फ्रेम. तो यहाँ से मैं सिंपली एक फ्रेम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. और एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली ये तरीकेकार है कि यहाँ पर जाएं एक्सपोर्ट फ्रेम और अपना फोल्डर ढूंढें, बताएं इसको जो मेरा फोल्डर है उसी में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से ओके कर दें. ये हो गया हमारा फ्रेम एक्सपोर्ट. अब आ जाएं Adobe फोटोशॉप बीटा. फोटोशॉप बीटा में जो जनरेटिव फिल है वो बहुत ही लो क्वालिटी का इमेज बनाता है अगर हम बहुत बड़े बड़े साइज की चीजें बनाने लग जाएं. दैट्स टोटली फाइन बिकॉज ये इमेज बहुत बड़ा करने वाला हूं मैं. और ऑफ कोर्स प्रीमियर पे थोड़ा सा भारी टाइम होगा. इट्स ओके, बहुत अच्छे से रिजल्ट आने वाला है. ऑलराइट, सो फोटोशॉप में यहाँ लाने के बाद हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि देखें ये इमेज है बहुत बड़ा. अगर मैं साइज दिखाऊं तो ये है. हमें इसको सबसे पहले तो अपने फुल साइज विंडो में लाना है और उसके लिए मैं सिंपली ये काम कर रहा हूँ कि मैं क्रॉप टूल पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं रेशियो ले रहा हूँ 16:9. ऑल्ट के साथ मैं इसको बड़ा करूँगा. देखें अगर ऑल्ट के बगैर आप बड़ा करते हैं तो ये यूं बड़ा होगा. ऑल्ट दबा दें तो सेंटर में बढ़ेगा एंड धीरे धीरे लेके जाएं आखिर में यहाँ पर आकर के ये स्नैप करेगा. अगर आप चाहें तो उसको बाहर भी ले आ सकते हैं लेकिन लेके नहीं जाना. इसको बस यहाँ पर स्नैप जहाँ पर हो रहा है ये वहाँ पर एंटर कर दें. डन हो गया. इस इमेज को मैं थोड़ा सा यहाँ साइड पे रख रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर साइड पर विंडो चाहिए. मैंने ये टेक्निक यूट्यूब पर देखी. एक और चैनल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया. मुझे पता है मेरा काम इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर भी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और जनरेटिव फिल साइड विंडो वॉल. सो ये एक ऑप्शन हमारे पास आया है और मजीद भी ऑप्शंस हैं. एक ये है, एक ये. यार इसका पर्सपेक्टिव आउट लग रहा है. ये बेहतर लग रही है, ये भी बेहतर लग रही है लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा अच्छी लग रही है. एक और जनरेट करते हैं. यस दिस इज़ ब्यूटिफुल. ओके नहीं, आई लव दिस वन. ठीक है जी. यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड पर क्या चाहिए? रूम चाहिए, एम्प्टी लॉन्ग रूम. अच्छा ये जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यार बहुत बुरा रिजल्ट आ रहा होता है तो छोटे छोटे से हिस्से कीजिएगा. ऑफ कोर्स सही है लेकिन ये इस वक्त इतनी बड़े साइज़ की इमेज बन रही है. अगर बुरा रिजल्ट आ भी जाए तो कोई मसला नहीं होगा. ओके बुरा है ये, बहुत बुरा है ये, भी बुरा है ये, भी बुरा. क्यों यार ये गैप्स क्यों आ रहे हैं? मैं ये लेयर ही डिलीट कर रहा हूँ वरना इसी के ऊपर आ गई ये फर्दर बनाता जाएगा. लेट सेलेक्ट मोर फ्रॉम दिस एरिया. पहले मैंने बहुत कम सेलेक्ट किया था, जरा सा ज्यादा सेलेक्ट कर रहा हूँ. एम्प्टी लॉन्ग रूम. नाउ लॉन्ग रूम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे दीवार नहीं चाहिए इस तरफ वाली. लेट्स सी क्या होता है. दीवार दी इसने, फिर भी दी. ओए ये क्या है? एंड आई थिंक मैं ये ले रहा हूँ और इसको फिर से फिल कर रहा हूँ. जनरेट, डन हो गया. सो यहाँ मुझे चाहिए एक अदद सोफ़ा और मैंने सिंपली यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई हुई है. थोड़ी सी सिलेक्शन छोटी कर रहा हूँ बिकॉज इट्स टू लार्ज टू हाई. बिकॉज इतनी हाई सिलेक्शन अगर होगी तो सोफ़ा भी बड़ा हाई आ जाएगा. जनरेटिव फिल और कोजी लेदर काउच. जनरेट, ओके दिस इज़ नाइस. और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? ये है. I think I'm going with this first one. ये सही लग रहा है मुझे. अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या लुक आ रहा है. एंड मुझे इस जगह पर आप देख रहे हैं ये अंधेरा बहुत है. मैं यहाँ पे सिंपली जनरेटिव फिल मार रहा हूँ. ओके एक काम करते हैं. अंडू. इस जगह को हम मैन्युअली थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. और मैं मैन्युअली किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ? जस्ट टेकिंग अ ब्रश और इसका फ्लो मैं कम कर रहा हूँ.
I still like manual work, boss. और यहाँ पे मैं आर्ट वर्क ओके आई लाइक दिस वन. इस जगह पर मुझे हैंगिंग लैम्प चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, इतना नीचे नहीं हो सकता. इसमें ग्लो वगैरह हम डाल देंगे, बल्कि डाल देते हैं. मैं सिंपली ब्रश ले रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ये, एंड एक्चुअली कलर भी जो है ना, थोड़ा सा ऑरेंज. ओके दैट्स इट. एक आध और चीज, नीचे मुझे रग चाहिए. आई थिंक ये वाला सही है. एक और चीज मैं चाह रहा हूँ, यहाँ इस जगह पे कुछ आ जाए, एंड यहाँ पे ओके ये ज़्यादा सही है. कैबिनेट वॉल फिक्स्ड, आई नो इसमें कैबिनेट की डोर्स वगैरह नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये फिर भी अच्छा लग रहा है. एंड अब मुझे एक्चुअली ये हाइड करके वहाँ लेके जाना है. इस चीज़ को मैं सबसे पहले तो सेव करूँगा PNG फॉर्मेट में, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस यूजली मैं कर रहा होता हूँ, और सेफ फॉर वेब. यहाँ से आ जाए PNG 24 बिट, इट वुड बी अ ह्यूज फाइल, बहुत बड़ी फाइल होगी. बट प्रीमियर में ओवरले हम रखेंगे. और एक और चीज़ कि हमारी प्रीमियर की जो सीक्वेंस है उसका साइज हमें चेंज करना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आपका कंप्यूटर स्लो है. तो आप ये कर सकते हैं कि ओवरऑल छोटा कर लें, फुल HD में कर लें शूट, यानी वर्टिकल, और फिर उसके बाद कर लें आप. नाउ एक और काम ज़रूर कर लें, जैसे फोटोशॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर जाएं इमेज साइज पे जाएं, और इमेज साइज में आप इसकी वैल्यूज़ नोट कर लें, 6826x3840. सही है. प्रीमियर में आएंगे और अपनी सीक्वेंस को चेंज कर देंगे. सीक्वेंस सेटिंग्स, इट वाज 6828. आई नो दिस वुड बी अ ह्यूज फाइल, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के लिए बहुत हैवी हो जाएगी. दैट्स टोटली फाइन, राइट. और वो जो इमेज मैंने बनाया था वो इम्पोर्ट कर लें, एंड इस ओवरले को ला के रख दें यहाँ टॉप पे. ठीक है. नाउ ये जो हमारी वीडियो है इसको हमें फिट करना है इसके साथ, तो वीडियो को सेलेक्ट करें और एग्जैक्टली यहाँ लेकर आ जाएं. नाउ प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पर देखें गौर से, तो मेरे जो ज़मीन पर शेडो है वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है. इसको अभी हम करेक्ट करते हैं. इस पर्टिकुलर जगह को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो ये जगह है इसको भी हमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा. Now, इस चीज़ के लिए एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपको सबसे पहले तो कैमरा एक जगह स्टिल रखना है. ऐसा ना हो कि कैमरा मूव करते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ बन, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी तक के नहीं है, फ्यूचर में हो सकता हो जाए. लेकिन अभी के लिए आप ये कर लें कि कैमरा एक जगह स्टिल रखें, और ख़ुद भी अगर एक जगह स्टिल हो जाए मेरी तरह हिले जुले ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. मैं यहाँ का कुछ हिस्सा जो है जनरेट करके सोच रहा हूँ लेकर आ जाऊँ और शेडोज रिमूव कर दूँ. लेट्स गो टू फोटोशॉप और इतना हिस्सा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ. लेट्स जनरेट. ओके सो AI नहीं कर रहा यार, ये काम AI नहीं कर रहा. सो वॉट वी कैन डू, हम ये चीज़ ख़ुद बना सकते हैं, और किस तरह से बनाएंगे वो मैं अभी बता देता हूँ. ना इतना ऐसा सही करने के लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगा, और सो मैंने सिंपली ये किया है कि एक हल्का सा ओवरले मैं बना रहा हूँ जिसमें शेडो मेरा इजीली फेड होता जा रहा है. ठीक है जी. नाउ ये अगर मैं हटा दूं तो कुछ इस तरह से आ रहा है. ठीक है, जो कि हमारे इमेज से आगे निकला हुआ है, विच इज़ परफेक्टली फाइन. हमें इसको इतना आगे तक फेड करना है. नाउ ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हुआ है भंड तो उसको करेक्ट भी तो करना है. होंगे और भी तरीके, लेकिन इस वक्त जल्दी में मुझे यही याद आ रहा है. नाउ मैं ये कर रहा हूँ कि ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ उसकी आई पर. ये जो छोटा सा धब्बा है ये हमें लेके जाना है एज PNG, और हमारे इस इमेज में इस वीडियो में ये वाला इंपोर्ट करके रख दें टॉप पे. ठीक है जी. एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो दीवार पर भी मेरा शेडो आ रहा है. ठीक है, तो हम इसको भी ज़रा सा सही करते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि जैसे जैसे मैंने हाथ मूव किया है शेडो आया है. तो
इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इतना, लेट्स इंक्रीज दिस एरिया और फेदर डाल दें इसमें तकरीबन 50 पिक्सल्स और जनरेटिव फिल. ओके दिस इज गुड. सो अगर मैं अब सिर्फ इसको रखूँ और इसको रखूँ, ठीक है, एंड इतना ऐसा मैं रिमूव कर देता हूँ, फेदर डिलीट. आई मीन ये बेसिकली देखें ये मास्क वाली लेयर होती है, तो सिंपली ब्लैक फिल कर दें यहाँ पे, दैट्स गुड. एंड इसको मैं उसी पे ओवरराइट कर रहा हूँ, याद रखिएगा दूसरी फाइल नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये दोनों लेयर्स ऑन रखी हुई है. सो शेडो हमारा कम्प्लीटली गॉन. अगर आप ये लेयर हाइड करें, यहाँ देख रहे हैं ये शेडो आ रहा है, जैसे मैं ये ऑन करूँगा दिस इज गुड. वेलकम टू GFXMentor, मैं आपका टीचर इमरान. और अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अरे वाह सर इमरान ने तो अपना स्टूडियो ही बदल दिया, ऑलराइट डन हो गया सिंपल. आई बिलीव यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. हमने आवाज़ भी सही कर ली, सब कुछ सही कर लिया. और लास्ट चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ओवरऑल जो है थोड़ी सी कलर करेक्शन वगैरह अगर आपने करनी है तो डेफिनेटली कर लें. मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ और यहाँ टॉप पर डाल रहा हूँ. नाउ याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये बहुत बड़े साइज़ की है, हम जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना छोटे साइज़ में तो ये बहुत शार्प हो जाएगी. अगर जूम करके देखें तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे. सो अगर मैं 100% साइज़ में दिखाऊं तो ये देखें ये बहुत लो क्वालिटी का रिज़ल्ट है सोफ़े का, ठीक है, या जो जो चीज़ें मैंने जनरेट की हैं. इन फैक्ट अगर मैं अपना दिखाऊं हुलिया तो दिस इज़ क्वाइट शार्प, दिस इज़ क्वाइट शार्प. बट बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी में, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़ोर से लाइक करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार आप लोगों के लाइक्स की. सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करें दोस्तों के साथ. थैंक यू.